कांग्रेस के नैनीताल सीट के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी बुधवार को खटीमा कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि 4 जून को लोकसभा सीटों की मतगणना होनी है। हर विधानसभा क्षेत्र से काउंटिंग एजेंट भेजे जाने हैं, इसको लेकर आज चर्चा की जाएगी। वहीं भाजपा के 400 पार के मुद्दे पर प्रकाश जोशी बोले कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में ही दिख गया कि भाजपा 400 तो क्या 200 पार भी नहीं होगी। अरे 400 तो पहले भी नहीं था, वो सिर्फ एक जुमला था, उनका इशारा था अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने में। नारे इससे पहले उन्होंने बहुत जगह लगाए, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के अलग अलग चरण पे आगे बढ़ेंगे, पहला चरण ने पहले चरण के मतदान ने यह स्पष्ट कर दिया कि 400 पार छोड़ दीजिए, 900 भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात। और फिर जैसे जैसे मतदान आगे बढ़ रहा है, दूसरा तीसरा चौथा और स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। और विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी जी की जो बौखार है, जिस तरह के